तक आपने मकानों का बनवाया जाना सुना होगा, मकानों का तुड़वाया जाना भी सुना होगा। अब सुनिए और देखिए एक मकान का खिसकाया जाना। ये मामला पंजाब का है। पंजाब के संगरूर में सुखविंदर सिंह सुखी का मकान बना हुआ है, बढ़िया आलीशान सा मकान। लेकिन अब वो अपने इस मकान को करीब करीब 500 फीट तक खिसकवाए जाने के लिए मजबूर हैं। उनके मकान को खिसकाए जाने का काम शुरू हो चुका है। तमाम टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम लेबर्स लगाकर इस मकान को धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। इसको खिसकाने की वजह क्या है? दरअसल सुखविंदर सिंह सुखी का ये मकान दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था। अब जाहिर से बात है, जब एक्सप्रेसवे के रास्ते में मकान आ रहा था तो उनको मुआवजे की पेशकश करके कहा गया आप कहीं और मकान बनवा लीजिए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुखी अपने इसी मकान में काफ़ी कुछ लगा चुके थे और उनका इस मकान से लगाव था, इसलिए वो नहीं चाहते कि अब कहीं और उनको मकान बनवाना पड़े। लिहाजा तमाम खर्च करके तमाम टेक्नोलॉजी की मदद से इस मकान को धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है, यानी एक्सप्रेसवे के रास्ते से इसे शिफ्ट किया जा रहा है। मकान मालिक सुखविंदर सिंह सुखी का इस मामले में कहना है, मैं अपने घर को खिसकवा रहा हूं। दरअसल मेरा घर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था। मुझे इसका हर्जाना देने की पेशकश की गई थी ताकि मैं कहीं और घर बनवा सकूं। लेकिन मैं दूसरा घर नहीं बनवाना चाहता, मुझे अपने इसी घर से बहुत लगाव है। मैंने करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च करके ये घर बनवाया है। अभी घर करीब 250 फीट तक खिसका लिया गया है, अभी करीब 250 फीट और खिसकाया जाएगा। बहरहाल ये मामला जो भी हो, लेकिन इस घर को खिसकाए जाने का मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया है। ये अपनी तरह का एक अनोखा मामला है, जब किसी घर को इतने सारे जतन करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को इससे एक नई टेक्नोलॉजी से भी वास्ता पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आज तक घर का बनवाया जाना या तुड़वाया जाना तो सुना था, पहली बार ऐसी टेक्निक देख रहे हैं जिससे एक इतने बड़े घर को 500 फीट की दूरी तक खिसका दिया जा रहा है।